नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्व है और इससे अनेक दोष दूर होते हैं। पर यज्ञ है क्या और कैसे करें, ये जानना भी बेहद जरूरी है, जो आज हमें बताएंगे गुरुजी। राम राम गुरुजी। राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाज प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। तो गुरु जी, सबसे पहले जो विषय है हमारा, उसी से जुड़ा सवाल कि आखिर हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए। हाँ, और हमारी संस्कृति में एक चीज़ और भी है कि हम लोग पूजा में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानने की कोशिश करते कि उसके पीछे का कारण क्या है, कितना वैज्ञानिक कारण है उन सब बातों के पीछे। तो यज्ञ जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस संस्कृति के हर व्यक्ति को यज्ञ करना ही चाहिए, और क्यों करना चाहिए, अब सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूँ। भोपाल का एक किस्सा है, जहरीली गैस वहां पर लीक हुई थी, सब जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव का उसका रिसाव हुआ था। तो वहां एक टीचर थे एसएल कुशवाहा जी, उन्होंने अपने घर में अग्निहोत्र यज्ञ करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये रिसाव शुरू हुआ, इसके करीब 20 मिनट बाद ही उनके घर में उस गैस का असर खत्म हो गया, उनकी जिंदगी बच गई। यह है यज्ञ की महिमा। यज्ञ करना उस तात्कालिक समस्या नहीं, अभी जो जीवन की प्रॉब्लम्स है उन्हें तो दूर करता ही करता है, बल्कि साथ साथ वो जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करता है, स्वास्थ्य को ठीक करता है। जैसे नींद नहीं आती, यज्ञ कीजिए। सांस की दिक्कत है, यज्ञ कीजिए। मानसिक परेशानी हो, यज्ञ कीजिए। काम ना बनते हो, यज्ञ कीजिए। काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, यज्ञ कीजिए। घर में शांति नहीं रहती हो, यज्ञ कीजिए। बच्चे पढ़ते ना हो, यज्ञ कीजिए। शत्रु बाधाएं हो, रोग हो, यहाँ तक कि राष्ट्र में अशांति हो, यज्ञ कीजिए। निसंतान लोग यज्ञ करें, इतनी सारी समस्याओं का समाधान है यज्ञ। हाँ, आपको यज्ञ करना आना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर हैफकिन के बारे में। ये डॉक्टर हैफकिन वही हैं जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वो कहते हैं घी जलाने से, और ये कौन सा घी, गौ माता का दूध का बना हुआ जो घी है, घी जलाने से घर के अंदर रोग के कीटाणु मरने लग जाते हैं, और कुछ नहीं, तो इसीलिए यज्ञ करने लगी है। फ्रांस के वैज्ञानिक प्रोफेसर टिलबर्ट कहते हैं कि शक्कर यानी खांड, यदि जल उसको जला दे हम तो वायु शुद्ध होने लगती। अब घी और खांड मिलाकर जला दे तो घर के अंदर आसानी से टीबी नहीं होगी, चेचक नहीं होगी, हैजा जैसी बीमारियां भी नष्ट होने लगती हैं। यज्ञ के फायदे कुछ हैं तो जरूर, ये भी सब जानते हैं, लेकिन यज्ञ के कुंड के अनेक प्रकार हैं। तो सही यज्ञ सही कुंड में किया जाए तभी फायदे होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये बहुत अहम जानकारी गुरुजी ने दी। इसका मतलब यज्ञ कुंड भी कई तरह के होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम गुरुजी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं प्रथम चार राशियों का हाल। हाँ। उनका दिन कैसा होगा। मेष राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। इस दिन रोग और शत्रु ये दोनों बहुत तैयारी से बैठे आपको पकड़ने की, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। ठंडी खट्टी चीजें थोड़ा कम खाइएगा और थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर करने के लिए, दूध का दान जरूरतमंद लोग को जरूर करिएगा। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, कुछ अच्छे संबंध आपके बनेंगे इस दिन, आपके पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज भी आएंगे। लेकिन एक सावधानी, इस दिन काम का स्ट्रेस बहुत रहेगा, उसकी वजह से आप थकन महसूस कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर करने के लिए, चावल का दान दीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से दोपहर बाद का कोई कार्य यदि आप प्लान करते हैं, बल्कि कोई महत्वपूर्ण काम हो तो दोपहर बाद ही उसको प्लान कीजिए, आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन माता के साथ मनमुटाव ना हो और उनके स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। बाकी एक उपाय कर लें, इस दिन आप ओम गणपताय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, समय थोड़ा सा कमजोर है, ध्यान रख के चलिएगा। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लोगों से मत कीजिएगा और अपने काम पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। आप एक सावधानी जरूर बरतें, भाग्य पक्ष तो ठीक है आपका, उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं आप, तो काम आप जम के करें।
उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए? अपने इष्ट को लाल पुष्प भेंट करें और उनका जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। और हाँ, इस दिन लाल रंग का एक धागा दाहिनी कलाई पर जरूर बांध लीजिएगा। तो ये सावधानियां रखें, उपाय करें, आपका दिन जरूर अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे परवरिश टिप की। जी हाँ, वो टिप जिसको जानने के बाद हम सभी की आंखें खुल जाती हैं और हम सोचते हैं कि वाकई ये भी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। गुरुजी, आज की परवरिश टिप क्या है? आज की परवरिश टिप भोजन के बर्तन से संबंधित है। बर्तन से? जी। बच्चों को कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में ना पका हुआ खाना दें, ना एल्युमिनियम के बर्तन में परोस कर खाना दें। दूसरी चीज, हफ्ते में दो दिन बच्चों को मिट्टी के बर्तन में भोजन दीजिए और उनसे कहिए कि वह आलती पालती मारकर बैठे फर्श पर और भोजन करें। दो दिन ऐसे रख लीजिए आप, मंगलवार और शनिवार, जिस दिन बच्चे इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन में भोजन करें। ग्रह तो जो सुधरेंगे ही, बच्चों का स्वास्थ्य उससे बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वाकई गुरुजी, आजकल एल्युमिनियम के बर्तन बहुत पॉपुलर हैं, लोगों के घरों में होते हैं, पर ये बात हम जानते नहीं हैं कि उनमें ना हमें कुक करना चाहिए और ना हमें उनके बर्तनों में खाना खाना चाहिए। पॉइजनस होते हैं, पशुओं तक को उसमें भोजन नहीं देना चाहिए। और वाकई देखिए, हम कितनी आसानी से कई बार घर में यूज कर लेते हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, कम से कम बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। अब बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। गुरुजी, इनका साल कैसा रहेगा? दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनिए कि आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत आप करेंगे, खूब लाभ आपको मिलेगा। इन 12 महीनों में नई जगह सेटल होने के योग बनते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज, इन 12 महीनों में कुछ नया कार्य करने के योग भी बन रहे हैं। खास तौर से जून 2019 से बस कुछ सावधानी रखनी होगी। एक तो वाहन से आपको इन 12 महीनों में डर बना रहेगा, इसलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। सड़क पार करते वक्त बहुत सावधान रहा कीजिए, दौड़ते भागते वक्त भी थोड़ा सावधान रखिए, क्योंकि चोट के योग बने हुए इन 12 महीनों में। दूसरी चीज, भावावेश में किसी से कुछ मत कहिएगा, कहीं भावावेश में कोई हस्ताक्षर मत कर दीजिएगा और किसी और के झगड़े में आप मत उलझिएगा। जब तक वह झगड़ा किसी ठोस कारण के लिए ना हो, तब तक उसमें मत उलझिएगा। उपाय क्या करेंगे? एक नियम बना लीजिए, सोमवार और शुक्रवार दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना है और आज बहन के हाथ से या भाभी जी के हाथ से एक चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लीजिएगा शाम तक कभी भी। ऑल द बेस्ट। तो सिर्फ ये साल ही नहीं, आने वाले जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी। बस जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर करें। गुरुजी, आप यज्ञ कुंड के बारे में कुछ खास बता रहे थे, क्या वो भी कई प्रकार के होते हैं और क्या ध्यान में रखकर हमें उन्हें चुनना चाहिए? 10 प्रकार के यज्ञ कुंड होते हैं। 10 प्रकार के? जी, मैंने तो पहली बार ये सुना है, क्या आपको ये जानकारी थी? गुरुजी बताएंगे। सुनिए, ग्रह शांति के लिए जिन यज्ञ कुंडों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वह 10 आकृतियों के होते हैं। जैसे चौकोर हो गया, गोलाकार हो गया, फूल की तरह हो गया, अर्धचंद्र है, योनि आकृति है, पूर्ण चंद्राकार है, 5 कोण वाला है, 7 कोण वाला है, 8 कोण वाला है और 9 कोण वाले यज्ञ कुंड होते हैं। ये अलग अलग प्रयोजनों के लिए बनाए जाते हैं और अलग अलग कुंडों में अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे ग्रस्त लोगों को ज्यादातर यज्ञ चौकोर कुंड में करने चाहिए, सुख मिलता है, वैभव मिलता है। कुछ बहुत ही विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए, तो षटकोण या अष्टकोण वाले कुंड में हवन करा कीजिएगा। महामृत्युंजय का जप यदि रोग मुक्ति के लिए है या जीवन दांव पर लग गया है और ऐसे समय में आपको जीवन को स्ट्रेंथ देनी है, तो 9 कोण वाले कुंड का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में शांति और शक्ति चाहिए या कोई विशेष अनुष्ठान चाहिए या सिद्धि चाहिए, तो गोल वाले कुंड का आपको प्रयोग करना चाहिए, तब होता है असली फायदा यज्ञ का।
गजब की जानकारी है गुरु जी, ये तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने तरह के यज्ञ कुंड होते हैं और उनका ये इस्तेमाल भी होता है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो और बताऊंगा। गुरु जी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आगे क्या जानेंगे? सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम यज्ञ कर रहे हैं, सही कोण वाला कुंड भी चुन लिया हमने, लेकिन यदि हमारी सामग्री अथवा समिदा सही नहीं है तो उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। तो सामग्री आदि की बात करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत अहम जानकारी उस पार, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं यज्ञ की। जीवन में आपको सफलता मिले, सुख समृद्धि आए, आपको कोई भी समस्या हो, यज्ञ करना चाहिए, लेकिन उसका सही तरीका क्या है? गुरुजी ने हमें बताया कि यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए। और गुरुजी ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया कि हवन सामग्री भी उतनी ही जरूरी है, वो किस तरह जरूरी है उसके बारे में हमें बताइए। सामग्री और संविधा का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। किसी को रोग बहुत सारे हैं और दूर नहीं हो रहे हैं, तो वह जो भी उनका मंत्र है उस मंत्र का जप करें और संविधा के रूप में मदार की लकड़ी का प्रयोग करें, आपका रोग धीरे धीरे समाप्त होगा, दवाई तुरंत लगनी शुरू होगी। एक और चीज़, यदि आपके सब कार्य कहीं ना कहीं जाकर अटकते हैं, फंसते हैं, परेशान होते हैं, तो आप जिस मंत्र से जप करते हैं वही करते रहिए, बस पलाश की लकड़ी का उसमें प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज, अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग आपके काम नहीं करते, जूनियर सबॉर्डिनेट्स ये आपकी बात सुनते नहीं है, तो पीपल की लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा और लोग आपकी बात को सुनने लगेंगे। यदि आपको चार पुरुषार्थ में जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी कामना है, तो गूलर की लकड़ी का प्रयोग करना शुरू कीजिए, आपके स्वभाव में भी इससे ज़बरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। शमी की लकड़ी शाप का नाश करती है और दूर्वा और कुश यह दीर्घायु देते हैं और आपके मनोरथों को सिद्ध करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और यहाँ मैं जिस देवता की जो बात कर रहा हूँ, ये वह देवता हैं जो हमें कुछ देते हैं, जैसे वायुदेव, हमने कहा वायु जो जिससे हम जीवित हैं उसको देने वाले वायुदेव, वो उस अर्थ में मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको प्रसन्न करने के लिए पलाश वृक्ष की समिधा से यज्ञ किया जाता है, और यह ना केवल तन को, ना केवल मन को, बल्कि भाग्य को भी ये बहुत मजबूती प्रदान करती है। जी हाँ, तो उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, समिधा में आपको किस लकड़ी का इस्तेमाल करना है ताकि उससे आप छुटकारा पा सकें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बीच की जो चार राशियां हैं उनकी बात करेंगे। गुरु जी इनका दिन कैसा रहेगा? नोट कीजिए। सिंह राशि, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आज ऊर्जा भी है और अच्छे विचार भी हैं। हाँ, पढ़ाई में कुछ बाधाएं जरूर दिखाई दे रही है, एक सावधानी रखिएगा, इस दिन वह लोग जिनको ठंड कफ परेशान करती है या हृदय रक्त परेशान करता है, तो वह अपना ध्यान रखें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए और जल में थोड़ा सा शहद घोलकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर अपने काम पे जुटिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, ये समय यूं तो अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, लेकिन दुस्साहस मत कीजिएगा, यानी बहुत सोच समझ कर साहसपूर्ण निर्णय लीजिएगा, बिना सोचे समझे लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना हो, एक तो ये ध्यान रखें और वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप करना है और तिल की मिठाई बांटनी है। तुला राशि, ये दिन धन के लिए अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है। इस दिन आप बहुत मन को कंट्रोल करके सोच समझ के फिर कोई निर्णय लीजिएगा, अन्यथा लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, आज कुछ चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसी सोच आपकी बनेगी, लेकिन फिर भी दिन आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन आप जल्दबाजी में कहीं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ भूल ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो आसानी से मिलेगी नहीं। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। फिलहाल दिन का शुभ अशुभ समय जान लेते हैं गुरु जी।
फटाफट नोट कीजिए, पहले अशुभ समय फिर शुभ समय, दोनों तो रहेगा दोपहर 3:57 से लेकर 4:38 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर में 2:44 से लेकर शाम 4:02 तक। यमगण काल रहेगा दोपहर में 12:10 से लेकर 1:27 तक। और राहु काल रहेगा शाम को 4:02 से लेकर 5:19 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:49 से लेकर 12:31 तक। और अमृत काल मिलेगा रात में 9:08 से लेकर 10:42 तक। गुरुजी अब अंतिम चार राशियों का रुख करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा? लिखिए। धनु राशि, आज वाणी दोष की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बस इतना ध्यान रख के चलिएगा, एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन धन संभाल के रखें। उपाय क्या करना है, कुत्तों को सप्रेम भोजन कराइए, फिर अपने काम पे जुट जाइए, फिर वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, जल्दबाजी में कहीं कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी के बारे में कोई भी राय एकदम मत बना लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, एक छोटी सी सावधानी रखने की जरूरत है। इस दिन कोई बड़ा कार्य ना करें, खासतौर से किसी को धन एकदम मत दीजिएगा। हाँ, एक उपाय कर लीजिए, इस दिन आप ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनिएगा और संभव हो सके तो हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर धारण कर लीजिएगा। कुंभ राशि, अपने ग्रस्त जीवन में दोस्तों के साथ संबंधों में बहुत संभल के चलना है इस दिन, एक सावधानी जरूर बरतनी होगी। इस दिन आपको यदि आप वाहन चला रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर कहीं ऊंचाई से उतर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा। जो लोग केमिकल्स का काम करते हैं उन्हें इस दिन सावधानी की विशेष आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम हनुमते नमः का जप करें और अपने काम पर जुटें, पूजी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं बाहर जाकर कोई कार्य करके या यात्रा करके कहीं कोई कार्य यदि आप करेंगे तो उससे लाभ ज्यादा मिलेगा, बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन अपना कीमती सामान बहुत हिफाजत से रखिएगा और साथ ही साथ अपने रिश्तों में आज आप बहुत नरम व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने पके हुए भोजन का दान करना है। तो राशियों के हिसाब से आपने जान लिया क्या उपाय आपको करने होंगे और क्या नहीं करना होगा जिससे आपका दिन अच्छा बीते। अब हम जानेंगे आज का विचार। गुरु जी, आज का विचार? आज का विचार मैंने शास्त्रों से लिया है, शास्त्रों की एक उक्ति है, एक सलाह है मनुष्य मात्र को, और देखिए वो कितनी प्रैक्टिकल है। ध्यान से सुनिएगा, स्नान करते समय बोलने वाले का तेज वरुण हरण कर लेता है। कहने का मतलब ये, जो लोग नहाते समय बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं या ऊंची आवाज में गाने गाते हैं उनको पेट में गैस बनने लगती है। दूसरी चीज, यज्ञ करते समय बोलने वाले की श्री अग्नि हरण कर लेती है, क्योंकि यज्ञ के समय पूरी एकाग्रता आपकी ये मंत्रों में होनी चाहिए, अगर वह एकाग्रता भंग हुई तो यज्ञ का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा और आपका जो सौख्य है, जो श्री है, लक्ष्मी है, ये नहीं प्राप्त होगी। और भोजन करते समय बोलने वाले की आयु यम हरण कर लेते हैं, यानी जो व्यक्ति भोजन करते समय बहुत बोलते हैं, ऊंचे स्वर में बात करते हैं या बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ऐसे लोगों को भोजन में जो अमृत होता है वो नहीं मिलता और ऐसे व्यक्ति का भोजन या पित्त बना देगा या गैस बना देगा और उनकी आयु कम होगी। तो शास्त्रों के पिटारे से बहुत अहम बात गुरुजी ने आज हमें समझाई, ये आदतें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूर लाएं और फिर आप इसका असर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।